फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर सेंटर ऑनलाइन क्लास। सो लास्ट वीडियो में हम लोग मार्कशीट जो था वो वाला डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग एक होटल शीट जो है वो वाला डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो होटल में हम लोग क्या करते हैं, कब चेक इन होता है, कब चेकआउट करते हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो में। एकदम ईजी स्टेप में आपको दिखा रहा है, जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्टेप बाई स्टेप दिखा रहा हूँ, जैसे धीरे धीरे आप लोगों के ग्रिप में आए। तो ये इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप कभी भी मतलब समझ के काम कीजिएगा फॉर्मूला में, तभी आपका ग्रिप में आएगा। अगर फॉर्मूला आप नहीं समझ के करिएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो फॉर्मूला में जो कंडीशन होगा वो पहले आपको जानना है, क्या किसके ऊपर बेस करके हमको क्या करना है, देनी आप ये सब चीज़ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का अगर आप देखिएगा एंड तक, प्लीज़ वीडियो को फॉर्मेट मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन मिलेगा, उसको आप दबा देंगे, देन आप लोग ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम एक के बाद एक वीडियो पोस्ट करें, तो जैसे हर दिन होता है एक इंट्रो होता है, तो आज भी ये इंट्रो होगा। इंट्रो के बाद देन हम लोगों का एक्सेल का जो होटल शीट है ये वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। सो लास्ट वीडियो में हम लोग इस शीट वन पे मार्कशीट लेके जो पूरा था डिस्कस किए थे, आज हम लोग शीट टू पे एक होटल शीट लेके डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा रेडी कर चुके हैं क्या क्या है नहीं है सब कुछ इसमें रेडी कर चुके हैं। तो पहले जो है बोला है नेम, ठीक है, एक होटल शीट में क्या क्या होना चाहिए, चेक इन कब होटल पे इन किया है, चेकआउट वो होटल से कब निकला है, नंबर ऑफ डेज कितना दिन वो रहा है होटल पे, ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट, रिमार्क्स, नेट अमाउंट, ये सब है। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसे यहाँ पे आशीष बोल के जो है ये जो है ये यहाँ पे जो चेक इन है ये है फॉर्मेट जो होता है MDY, इसका मतलब है पहले मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर। तो वो फरवरी का 4 तारीख को होटल को इन हुआ है, देन चेकआउट हुआ है फरवरी का 9 तारीख। ठीक, वैसे राहुल जो है वो मार्च का 14 तारीख को होटल पे इन हुआ है और मार्च को 29 को होटल से आउट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ डेज वो कितना दिन होटल पर रहा है ये हमको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग अब जो दिखाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू देखे C2 - B2, ये इसका फॉर्मूला है। तो एंटर मारेंगे, एंटर मारने से ये वाला आया। ठीक है, हम लोग एक एक करके दिखाएंगे। तो यहाँ से जो 4 तारीख के आया है, 5 तारीख को होटल से निकला है, तो 5 दिन वो होटल पर रहा है। तो 5 दिन जो होटल पर रहेगा तो फ्री पे तो कभी भी नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया है कि पार्ट डे चार्ज 500। तो एक दिन का अगर चार्ज है 500 करके, तो 5 दिन का कितना होगा, ये हमको ग्रॉस अमाउंट पे निकालना होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल टू साइन का D2। D2 मीन क्या है, नंबर ऑफ डेज जो 5 दिन है, D2 इनटू J2। J2 मीन कितना है, जो पार्ट डे चार्ज जो 500 रुपए है, ये वाला वैल्यू जो है ये वाला हमने सेलेक्ट किया, तो D2 इनटू J2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर मारेंगे, तो 5 दिन का चार्ज हो रहा है 2500 रुपए। ठीक है, अब हमारा होटल का कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है एक एक देखते हैं। तो पार्ट डे चार्ज है 500 रुपए करके, और यहाँ पे अगर होटल में 10 दिन अगर रहेगा, 10 दिन से ज्यादा अगर स्टे करेगा 10 दिन से ज्यादा, तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा ये अमाउंट के ऊपर, मतलब ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है अगर जो कोई भी हम लोगों का होटल में कस्टमर रहेगा 10 दिन से ज्यादा, तो वो अमाउंट के ऊपर 10% उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिस्काउंट उसको मिला कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है देखिए, इसलिए ये कंडीशन जब को है ये 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर उसको जीरो, कुछ ही नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन D2, मतलब नंबर ऑफ डेज, ये जो नंबर ऑफ डेज जो है ये है D2 ग्रेटर देन 10, अगर 10 दिन से ज्यादा रहेगा कॉमा, तो उसको
E2 मतलब ये ग्रॉस अमाउंट के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा या फिर 0। तो ये फॉर्मूला में क्या बोला है, इफ मतलब यदि D2 मतलब नंबर ऑफ डेज जो है ये वाला बोला है D2 ग्रेटर देन 10 मतलब नंबर ऑफ डेज जिन लोगों का 10 दिन से ज्यादा होगा कॉमा E2 मतलब क्या होगा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर बेस करके हमको क्या 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर वैल्यू 2 है तब ये मिलेगा फिर कॉमा देके, या फिर अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होता है तो क्या होगा वो वैल्यू फॉल्स में वो क्या 0। तो ये 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देन हम लोग एंटर मारेंगे तो ये 0 निकला। तो 0 क्यों निकला, क्योंकि ये जो कस्टमर है मेरा 5 दिन होटल पे स्टे किया है, अगर ये 10 दिन से ज्यादा होटल पे स्टे करता तो इसको 10% डिस्काउंट मिलता। ठीक है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, इफ D2 मतलब यदि D2 नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 10 अगर 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो E2 मतलब ग्रॉस अमाउंट को इसको 10% डिस्काउंट मिलेगा या फिर 0। तो यहाँ पे 0 हम यहाँ पे बैठा है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पे ये 10 दिन से कम रहा है, ओनली 5 डेज। ठीक है, उसके बाद रिमार्क जो है रिमार्क हमको निकालना है, इसको भी हम लोग एक फॉर्मूला पहले पुट कर ले उसके बाद बोल रहा हूँ। इफ D2 ग्रेटर देन 10 कॉमा डबल कोटेशन में डिस्काउंट नो डिस्काउंट, तो बोला कि इफ D2 मतलब नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 10 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो इसको डिस्काउंट मिलेगा टू कंडीशन, या फिर कॉमा देने के बाद फॉल्स कंडीशन नो डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल ही दिया है 10 दिन से अगर ज्यादा रहेगा तभी उसको डिस्काउंट मिलेगा या फिर नो डिस्काउंट, तो यहाँ पे एंटर मारने से क्या दिखाएगा नो डिस्काउंट। क्यों नो डिस्काउंट दिखाया, क्योंकि ये 10 दिन से कम रहा है। ठीक है, अब हमको नेट अमाउंट निकालना है, नेट अमाउंट निकालने के लिए ग्रॉस अमाउंट से डिस्काउंट को निकालना है, तो इसलिए फॉर्मूला है E2 माइनस F2। ठीक है, ये ग्रॉस से डिस्काउंट को निकालने के बाद नेट अमाउंट, तो जो ग्रॉस अमाउंट है वही नेट है। अब नेक्स्ट पर्सन जो है राहुल को इसका निकालता है, तो देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला जो है अलग है थोड़ा, इक्वल टू देखे C3 माइनस B3। ठीक है, एंटर मारेंगे तो ये 15 डेज है, तो 15 डेज में क्या है देख रहे हैं 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये कंडीशन में दिया हुआ है, तो देखते हैं वो 10 दिन से ज्यादा स्टे किया है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं। पर उससे पहले हमको ग्रॉस अमाउंट निकालना है, तो ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू D3 इनटू J2, J2 पर डे जो चार्ज है ये जो है 500, ये है D3 इनटू J2। ठीक है, तो 7500 अभी जो है कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, इफ D3 ग्रेटर देन 10 मतलब जो नंबर ऑफ डेज है 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो E3 मतलब ग्रॉस अमाउंट के ऊपर इसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, फिर कॉमा देखे या फिर 0, मतलब एक वैल्यू टू कंडीशन या फिर फॉल्स। ठीक है, तो उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज किया, तो क्या हुआ इफ D3 मतलब नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 10 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो कॉमा E3 मतलब ग्रॉस अमाउंट के ऊपर इसको 10% डिस्काउंट मिलेगा या फिर कॉमा देने के बाद 0। ठीक है, ये जो है फॉल्स कंडीशन, तो एंटर मारेंगे तो यहाँ पे 750 को डिस्काउंट मिला, क्यों, ये 10 दिन से ज्यादा स्टे किया है। अब रिमार्क्स में देखते हैं, इक्वल टू इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन D3 ग्रेटर देन 10 कॉमा डबल कोटेशन में दिस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फिर नो दिस, मतलब बोला इफ D3 नंबर ऑफ डेज अगर 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा कॉमा देखे या फिर नो डिस्काउंट, तो ये दिस मीन डिस्काउंट। एंटर मारेंगे तो यहाँ पे दिखा है, हाँ उसको डिस्काउंट मिला है। अब हमको नेट अमाउंट निकालना है, नेट अमाउंट निकालने के लिए ग्रॉस से डिस्काउंट को लेस करना है, तो इक्वल टू देने के बाद E3 माइनस F3 मतलब ये जो ग्रॉस अमाउंट है ग्रॉस से डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट होगा वही हो जाएगा मेरा नेट अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आशीष, तो ये होटल में 4 तारीख को इनको है फरवरी में और 9 तारीख को गया, 5 दिन स्टे किया, 5 दिन का उसको 2500 ग्रॉस अमाउंट हुआ, तो ये होटल का जो कंडीशन है 10 दिन से जो कस्टमर रहेगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 10 दिन से कम रहा है, इसको कोई 10% डिस्काउंट नहीं मिला, 0 है। रिमार्क्स में बोल दिया अगर 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा या फिर नो डिस्काउंट, तो यहाँ पे बोल दिया कि इसको नो डिस्काउंट मिला है क्योंकि ये 10 दिन से कम स्टे किया है होटल पे, तो 2500 जो ग्रॉस हुआ था वही मेरा नेट अमाउंट होके उसको 2500 रुपए होटल पे पे करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो राहुल है ये मार्च का 14 को इन हुआ है होटल पे और 29 मार्च को वो होटल से आउट हुआ है, तो वो 15 डे स्टे किया है, तो ये जो 15 डेज वो होटल पे स्टे किया है तो कोई
इसके चार्जेस होना है 7500। तो ये जो 7500 है, तो ये होटल का रूल में फुलफिल हुआ है क्या कि ये 10 दिन से ज्यादा स्टे किया है, ठीक है, इसलिए इसको 10% डिस्काउंट मिलेगा अमाउंट के ऊपर, मतलब ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। इसमें फॉर्मूला इफ D3 मतलब नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 10, 10 दिन से ज्यादा रहेगा D3, फिर कॉमा देखिए E3 मतलब ये ग्रॉस अमाउंट है, इसके ऊपर हमको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर फॉल्स कंडीशन या फिर जीरो। तो ये 10 दिन से ज्यादा है इसलिए इसको 750 जो है अमाउंट डिस्काउंट मिला है। उसके बाद रिमार्क्स में 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो डिस्काउंट मिलेगा या फिर नो डिस्काउंट, तो ये वाला डिस्काउंट मिला क्योंकि ये 15 डेज स्टे किया है, ठीक है। उसके बाद जो नेट अमाउंट है ग्रॉस से डिस्काउंट को लेस के, ग्रॉस अमाउंट से डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट है नेट अमाउंट है, तो 15 डेज के बाद जैसे ये आशीष को 5 दिन स्टे किया है, 2500 देना चाहिए था पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला, तो 2500 होटल पे वो इन मतलब चेकआउट किया है मतलब पैसा देके। और ये जो 15 डेज किया है राहुल, इसको 7500 पे करना था, तो उसको 750 डिस्काउंट मिला, तो रिमार्क्स में देखा था डिस्काउंट, तो 7500 स्टे कर मतलब पे करना था, तो वो स्टे करने के बाद सिर्फ 6750 रुपए होटल पे करके चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का पोर्शन जो था होटल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था, अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।